तो गाइस जो लोग भी पेटीएम पोस्टपेड की ट्रांजैक्शन मतलब आप एक्सेप्ट करने से परेशान है वो ये वीडियो देखें, मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। मेरा फ़ोन है यहाँ पे, मैं पेमेंट एंड रिसोर्सेज चार्जेस में यहाँ पे आपको जाके दिखाता हूँ कि और जो चार्जेस हैं वो तो फ्री हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक का हो, पेटीएम वॉलेट का हो, ये तो फ्री है, मतलब कोई एक्सेप्ट हम एक्सेप्ट करेंगे तो ये सेटलमेंट का कोई चार्ज नहीं लेगा। लेकिन पेटीएम पोस्टपेड का अगर मैं दिखाऊँ 1.75% यहाँ पर चार्ज कट रहा है। मैंने अपने फ़ोन में भी आपको दिखाता हूँ और इसमें भी जो मोबाइल पॉइंट वाले इनका फ़ोन है इनके भी जाके फोन को दिखाता हूं। यहां पेमेंट एंड रिसोर्सेज में जाके आपको यहां पे चेक कराता हूं, दोनों फोनों को आप चेक करिए यहां पे। उसके बाद मैं कस्टमर केयर पे भी यहां पे फोन में लाके दिखाऊंगा। देख सकते हैं यहां पे मैंने दोनों मर्चेंट सेटिंग यहां पे खोल चुका हूं। यहां पे एक में पेटीएम पोस्टपेड का जो फ्री चार्ज है एमडीआर चार्ज, और यहां पे जो 1.75% चार्ज है वो मेरे वाले फोन का लग रहा है। ऐसे ही आपका भी लग रहा होगा, आप भी आपके पास भी बहुत सारे ऐसे कस्टमर आते होंगे जो कि पेटीएम पोस्टपेड से ही ट्रांजेक्शन कर जाते होंगे, लेकिन आपके पास तो मैसेज आता होगा पूरे पैसे होगा लेकिन वो कट के आपके सेटलमेंट आते होंगे। अब इस बात पे कस्टमर केयर क्या बोलते हैं वो मैं आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ यहां पे दिखाता हूं। मैं अब कस्टमर केयर पे यहां पे फोन मिला के दिखाता हूं कि वो क्या बोलते हैं। दोनों में आप देख लीजिए, एक में चार्ज कट रहा है आप आसानी से देख सकते हैं फ्री, और यहां पे 1.75% यहां पे दिख रहा है, आपका भी कुछ इस टाइप से दिख रहा होगा। मैंने मोबाइल पॉइंट पे जाके ये कंफर्म करा था कि खाली हमारे में कट रहा है या सबके में, तो मैं अब कस्टमर केयर से पूछता हूं कि वो क्या बोलते हैं। तो गाइज अब मैं यहाँ पे पेटीएम बिजनेस कस्टमर केयर पे फ़ोन मिलाऊंगा और चेक करूंगा कि वो क्या बोलते हैं। बिल्कुल मैंने अब ये आपको सामने लाइव प्रूफ यहाँ पे दिखा दिया कि एक में चार्ज कट रहा है एमडीआर चार्ज पेटीएम पोस्टपेड का, और एक में नहीं कट रहा है। तो ये बात तो कंफर्म है कि सब में नहीं कट रहा है, किसी किसी में ही चार्ज कट रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इस चीज़ को कंफर्म करूंगा कि मेरे में चार्ज क्यों कट रहा है। अब इस पर कस्टमर केयर क्या बोलते हैं तो मैं आपको यहाँ पे सुनाता हूँ। यहाँ पे मैं लाइव आपके सामने कॉल करता हूँ पेटीएम बिजनेस कस्टमर केयर पे। आपको कॉल करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं नंबर दिख रहा है ये वाला 01204440440। इस नंबर पे आप कॉल करोगे अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से, जो भी आपका पेटीएम बिजनेस पे रजिस्टर है उससे कॉल करोगे तो आपका ये आसानी से मिल जाएगा। मिलता भी कैसे वो मैं आपको बता दूं, अलग अलग इसमें मीनू चेंज होते रहते हैं, आपको समझना है कि किस टाइप से अन्य जानकारी या कुछ भी बोलता है तो आप उस पर क्लिक करें और उसके बाद वो ओके होगा, उसके बाद आपका फोन उठाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे फोन मिला देता हूँ। पेटीएम प्लैटिनम मर्चेंट केयर में आपका स्वागत है। वेलकम टू पेटीएम प्लैटिनम मर्चेंट केयर। लोन से संबंधित पूछताछ के लिए एक दबाएं, भुगतान और सेटलमेंट संबंधी पूछताछ के लिए दो दबाएं, बैंक अकाउंट बदलने या किसी अन्य प्रोफाइल से संबंधित सवालों के लिए तीन दबाएं, किसी अन्य प्रश्न के लिए चार दबाएं। किसी अन्य प्रश्न के लिए मैं यहाँ पे चार दबाता हूँ। कृपया प्रतीक्षा करें। अब ये लाइन पे ले रहा है, हमारी मर्चेंट केयर टीम से कनेक्ट कर रही है। कृपया ध्यान दें कि ये कॉल क्वालिटी और ट्रेनिंग पर्पस के लिए रिकॉर्ड की जाएगी। हेलो, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, मेरा सवाल ये है कि मैं बिजनेस पेटीएम बिजनेस यहाँ पे चला रहा हूँ, इसमें मेरा जो कोई भी अगर पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से पेमेंट करता है तो मेरे पे तो ये मैसेज आ जाता है कि हमारे पे जैसे 1,000 या 2,000 रुपए प्राप्त हुए, लेकिन उसमें 1,000-2,000 प्राप्त होने के बाद जो सेटलमेंट चार्ज लगता है वो मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा लगता है। इसमें 1.75% मेरा दिखा रहा है, और मेरे मैंने एक मोबाइल पॉइंट पर जाके देखा तो वहां पर उनका 0% दिखा रहा है, तो ऐसा क्यों है ये मुझे बताइए। हाँ, उनका 0% दिखा रहा है, मेरा 1.75% दिखा रहा है। जब मैंने मर्चेंट सेटिंग में जाके उसको देखा जिसमें सारे एमडीआर चार्ज वगैरह सब चीज दिखाता है, तो उसमें उनका जो 0% दिखा रहा है और मेरा जो है यहाँ पे 1.75% दिखा रहा है, प्लस जीएसटी अलग कटता है इसमें। हाँ जी, नहीं ऐसा नहीं है, मैं प्रूफ के साथ बता रहा हूँ कि उस पे चार्ज नहीं कट रहा है और मेरा कट रहा है। तो वो पेटीएम भी यूज करते हैं? हाँ, वो पेटीएम भी यूज करते हैं, पेटीएम बिजनेस चला रहे हैं, मोबाइल पॉइंट है तो ऑफिशियली बात है कि बिजनेस चलाएंगे ही, और जो भी पेमेंट लेते हैं उसका उनका 0% चार्ज कट रहा है और मेरा कट रहा है ये 1 अप्रैल से।
ऐसा क्यों है? सर ऐसा नहीं होता है, अगर चार्ज कटता है तो हमारी तरफ से पेटीएम का बिल एमडीआर के मतलब जो कोई पोस्टपेड से लेगा ना कोई भी पेमेंट। नहीं ऐसा नहीं, मैं कैसे मान लूं, मेरे सामने प्रूफ है, बिल्कुल सामने, ऐसे कुछ नहीं है कि सबका, आपके मतलब कहने का मतलब ये है कि सबका कट रहा है चार्ज तो आपका भी कट रहा है, एक ऐसे एक का नहीं कट रहा है, इस टाइप से कहना चाह रही हो ना? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ बता रहा हूँ कि मैंने खुद सामने ये जब चीज देखी, भाई अगर सबका कट रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब उनका नहीं कट रहा है और हमारा कट रहा है तो थोड़ा सा ये होता है कि भाई हमारे पे क्यों चार्ज कट रहा है, हमारे पे एक्स्ट्रा पैसा तो है नहीं जो फालतू के उड़ाए, बहुत ज्यादा चार्ज कट रहा है। मैंने 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 बहुत सारे ऐसे भी देखे हैं कि उनके चार्ज ज्यादा कट रहे हैं, 2% तक 3% तक ऐसे कट रहे हैं, पता नहीं क्यों इतने, भाई हम भी बिजनेस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है सेटलमेंट चार्ज इतना ज्यादा लोगे। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि इसमें चार्ज हमारा काटा ही जाएगा है? जी सर, अगर आप पोस्टपेड के द्वारा कोई भी कैरी लेते हैं हाँ तो इसको आपको जो चार्ज है आपको लगता ही होगा। ठीक है ठीक है ठीक, ओके। तो गाइज आपने देखा यहाँ पे कस्टमर केयर भी यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं, और यहाँ पे जो मैंने फोन मिलाया आपके सामने बिल्कुल लाइव यहाँ पे दिखा भी दिया है मैंने कि उनका तो चार्ज नहीं कट रहा, उसमें जो एमडीआर चार्ज है पेटीएम पोस्ट पेड का वो फ्री है, और मेरा जो यहाँ पे एमडीआर चार्ज दिखा रहा है वो यहाँ पे मेरा चार्जेस यहाँ पे दिखा रहा है। मैं एक बार और आपको दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे मर्चेंट सेटिंग में आ गया हूँ, पेमेंट रिसोर्स एंड चार्जेस इस पे जाता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं नीचे की साइड आता हूँ तो एमडीआर चार्ज 1.75% है, जो कि मैंने पहले भी दिखाया था उसमें, मैंने मोबाइल पॉइंट पे जब जाके देखा तो वहाँ पे फ्री है फ्रेंड्स, फ्री है यहाँ पे, किसी भी तरीके का वहाँ पे चार्ज नहीं कट रहा था और इसमें मेरा चार्ज कट रहा है। अब फ्रेंड्स आप ही बताइए कि इसमें अब क्या करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से तो आप एक जो बारकोड वगैरह लगाते हैं ना उनसे जाके कांटेक्ट करिए और वही आपका सॉल्यूशन कर सकते हैं। बारकोड वाले से कहिए कि भाई ये वीडियो दिखा देना कि भाई इनका तो चार्ज नहीं कट रहा है, जो वीडियो दिखा रहे हैं मोबाइल पॉइंट वाले हैं इनके तो चार्ज नहीं कट रहा है, हमारा ही क्यों कट रहा है, आप एक बार उस वीडियो को दिखा देना। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।